गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू भारत ह्यूमिनिटीज क्लासेस डियर स्टूडेंट्स टुडे वी स्टार्ट आर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर सेवन लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड द टॉपिक इज द मेजर पोर्ट्स इन इंडिया आज हम भारत की जो प्रमुख बंदरगाहें हैं उनको मैप पर लोकेट भी करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनके बारे में क्या करेंगे स्टडी करेंगे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हिंदी का एक बहुत अच्छा मुहावरा या लोकोक्ति जिसको कहते हैं का वर्षा जब कृषि सुखाने कि उस वर्षा का कोई फ़ायदा नहीं होता है जब फसल नष्ट हो चुकी होती है अर्थात समय बीत जाने पर अगर हम परिश्रम करते हैं अगर हम अपना अमूल्य समय नष्ट करके और बाद में परिश्रम करने का प्रयास करते हैं तो हमारी मेहनत उसी तरीके से बेकार है जिस तरह से फसल के नष्ट हो जाने पर वर्षा का होना होता है इसलिए समय के साथ चलिए और समय का सदुपयोग कीजिए लेट ए स्टार्ट एज वी नो दैट द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज अगर भारत की तटीय रेखा की बात करते हैं तो भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट सिक्स किलोमीटर ठीक है और इस कोस्ट लाइन के ऊपर हमारे पास कितनी मेजर पोर्ट्स हैं ट्वेल्व मेजर पोर्ट्स हैं ठीक है और टू हंड्रेड जो आपकी माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं ठीक है तो कुल जो मुख्य बंदरगाह हैं, वो बारह हैं और इसके अलावा दो सौ आपकी क्या है माइनर पोर्ट है इंडिया इज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट सिक्स किलोमीटर विद ट्वेल्व मेजर पोर्ट्स एंड टू हंड्रेड माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स भारत अपने कुल ट्रेड का नाइनटी फाइव परसेंट कहाँ से करता है? इन पोर्ट से ही करता ये जैसे रेल आपकी कहां रुकती है रेलवे स्टेशन पर वैसे ही जो पानी में चलने वाले जहाज हैं वो कहां पर रुकते हैं पोर्ट्स पोर्ट्स के ऊपर तो ये आपको ध्यान रखना है लाइक रेलवे स्टेशन कि जहाजों के रुकने का स्थान जहां से हम लोडिंग अनलोडिंग करते हैं वो आपकी क्या कहलाती पोर्ट्स कहलाती है यहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा कि भारत की तटीय रेखा से लेकर और जो आपका कुल ट्रेड का कितना परसेंट हम क्या करते हैं इंपोर्ट से करते हैं तो यहां पर आपकी एक वाटर बॉडी है जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल यहां पर आपका क्या है अरेबियन सी और यहां पर आपका क्या है इंडियन ओशियन भारत तीन तरफ से पानी से गिरा होने के कारण भारत को क्या कहा जाता है पेनिनसुला कहा जाता है क्या कहा जाता है पेनिनसुला ठीक है इट इज द ओनली ओशियन विच नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री एंड शेयर इट्स बाउंड्री विद अस अकेला ऐसा महासागर जो भारत की मुख्य भूमि को क्या कर रहा है छू रहा है तो ये तो हो गई आपकी कुछ बेसिक्स ठीक है कि कितने पोर्ट्स हैं क्या है अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक पोर्ट से सबसे पहली जो पोर्ट है जो आपकी कच्छ के अंदर जो गुजरात है उसके अंदर स्थित है जिसका नाम है कांडला कांडला पोर्ट कौन सी पोर्ट है कांडला तो यहाँ पर एक एक पोर्ट के बारे में डिटेल से हम क्या करने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं तो ये आपकी कौन सी होगी कांडला पोर्ट जो आपकी वेस्ट कोस्ट की ये आपका कौन सा कोस्ट हो गया वेस्ट कोस्ट ये आपका कौन सा कोस्ट हो गया ईस्ट कोस्ट तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वेस्ट कोस्ट से देखिए भारत का पार्टीशन हुआ था 1947 में ठीक है तो 1947 में पार्टीशन के दौरान एक इम्पोर्टेंट पोर्ट होती थी जिसका नाम था कराची पोर्ट ठीक है आज भी पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट अगर कोई है तो वो कराची है सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है अब भारत कि ये जो पोर्ट थी डिवीजन के बाद ये कहां चलेगी पाकिस्तान के अंदर चले गई तो आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर सबसे पहली पोर्ट हमने डेवलप की थी तो आपकी कौन सी है आपकी कांडला पोर्ट है और ये जो पोर्ट है ये आपकी कैसी पोर्ट है टाइडल पोर्ट है एक एक पॉइंट को अच्छे से क्या करना है समझना है कांडला पोर्ट कैसी है टाइडल पोर्ट है फर्स्ट इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड पोर्ट इन इंडिया इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद भारत की जो सबसे पहली बंदरगाह जो विकसित हुई जो पोर्ट विकसित हुई वो आपकी कौन सी थी कांडला थी क्यों क्योंकि कराची जो पोर्ट थी वो पार्टीशन के बाद कहाँ चली गई थी प्यारे बच्चों वो चली गई थी आपकी पाकिस्तान के अंदर इस पोर्ट को डेवलप क्यों किया गया ताकि मुंबई के बर्डन को क्या किया जा सके कम किया जा सके मुंबई पोर्ट के ऊपर जो प्रेशर था उसको कम करने के लिए कांडला पोर्ट को क्या किया गया था डेवलप किया गया था चाहे यहाँ का आपका ग्रीन एरियाज हो लाइक पंजाब हरियाणा और चाहे आपका इंडस्ट्रियल बेल्ट हो आपका गुजरात हो गया राजस्थान हो गया और यहां जम्मू कश्मीर तक ये जो पोर्ट है ये आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या करती इजीली हैंडल करती है वो कौन सी पोर्ट है कांडला पोर्ट अब कांडला पोर्ट का जो नया नाम है वो भी आप नोट कर लीजिए कांडला पोर्ट का नाम बदलकर रख दिया गया है दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट ठीक है तो इशारा किसके बारे में है ये है आपका कांडला पोर्ट के बारे में कांडला पोर्ट इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले जो डेवलप पोर्ट है वो आपकी कांडला पोर्ट है इट इज़ ए टाइडल पोर्ट इसका डेवलपमेंट क्यों किया गया बिकॉज़ टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ ट्रेड ओवर द मुंबई पोर्ट अब इस पोर्ट का नाम क्या है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट और ये पोर्ट किसके लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए कन्वीनियंट है तो ये आपके जम्मू कश्मीर से लेकर और आपका जो गुजरात तक का जो एरिया है यहाँ पर जो एक्सपोर्ट का इम्पोर्ट का काम होता है वो कौन सी पोर्ट के द्वारा होता है वो आपकी कांडला पोर्ट के द्वारा होता है नेक्स्ट जो आपकी पोर्ट है वो है आपकी मुंबई पोर्ट कौन सी पोर्ट है प्यारे बच्चों मुंबई मुंबई पोर्ट ठीक है ये बिगेस्ट नेचुरल पोर्ट है मुंबई पोर्ट जो है आपकी इट इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया बिगेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया ठीक है मुंबई जो पोर्ट है ये भारत के व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या करती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है मुंबई पोर्ट की अगर हम बात करते हैं इट हैज ए स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर ठीक है, well है? मुंबई पोर्ट जो आपके महाराष्ट्र के कोस्ट के ऊपर स्थित है जिसका नाम क्या है मुंबई ये बिगेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया है वेल शर्टर्ड हार्बर है भारत के ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटिश इंडिया से ही इसका अपना क्या रहा है एक इम्पोर्टेंस रहा है और इसी बर्डन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर आपके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को क्या किया गया है डेवलप किया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट डेवलप टू डी द मुंबई पोर्ट एंड सर्व एज ए हब पोर्ट आपकी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कैसे काम करती है एक हब पोर्ट के रूप में क्या करती है काम करती है तो ये आपका कौन सी पोर्ट के बारे में है मुंबई पोर्ट नेक्स्ट पोर्ट आती है आपकी मारमा गांव मारमा गांव जो आपके कौन से स्टेट के अंदर है गोवा के अंदर है ठीक है मारमा पोर्ट का सबसे बड़ा फीचर यही है कि ये इंडिया की लीडिंग आयरन एक्सपोर्टेड पोर्ट है कौन सी है मारमा गाँव मारमा गाँव पोर्ट कौन से राज्य के अंदर है सबसे पहले हो गया गोवा यह क्या है लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर है और भारत के कुल आयरन और का जो एक्सपोर्ट होता है फिफ्टी परसेंट से ज्यादा कौन सी पोर्ट से हो रहा है प्यारे बच्चों गोवा के अंदर जो आपकी मारमागा पोर्ट है उससे हो रहा है तो ये आपका कौन सी पोर्ट के बारे में हो गया मारमागाव पोर्ट के बारे में हो गया नेक्स्ट आपकी आती है वेस्ट कोस्ट के ऊपर न्यू मंगलोर ये आपकी कर्नाटक के अंदर है न्यू मंगलोर ठीक है न्यू मंगलौर पोर्ट का सबसे बड़ा फीचर मैं आपको बता देता हूं कर्नाटक के अंदर एक माइन है कुद्रे मुख कदरे मुख माइन का जितना भी आयरन और निकलता है वो हंड्रेड परसेंट क्या कर दिया जाता है एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और वो जो एक्सपोर्ट होता है वो कौन सी पोर्ट के द्वारा होता है न्यू मंगलोर पोर्ट के द्वारा होता है न्यू मंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटक कैटर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और कॉन्सेंट्रेट्स फ्रॉम वेयर फ्रॉम कदरे कुदरक मुख माइंस का जितना भी आयरन और निकलता है वो सारा आपके न्यू मंगलोर पोर्ट से क्या कर दिया जाता है बाहर भेज दिया जाता है नेक्स्ट पोर्ट है केरला का जिसका नाम है कोची क्या नाम है कोची पोर्ट तो नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे कोची पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो बात करते हैं कोची पोर्ट की कोची कोची पोर्ट कहाँ पर स्थित है आपकी इन द स्टेट ऑफ केरला केरला जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है भारत का और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है वो भी आपका कहाँ पर है केरला के अंदर है ये एंट्रेंस ऑफ ए लैगून इट इज़ लोकेटेड इट इज़ लोकेटेड ऑन द एंट्रेंस ऑफ ए लैगून अब लैगून क्या होता है ज़रा ध्यान से सुन लीजिए लैगून एक सॉल्ट वॉटर लेक होती है क्या होती है सोल्ट वॉटर लेक खारे पानी की क्या होती है झील होती है दैट इज सेपरेटेड दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम ए रॉक एक खारे पानी की जो झील होती है ए लेक ऑफ सॉल्ट वाटर दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सी और बाय द रॉक फ्रॉम द सी और बाय द रॉक उसको हम क्या कहते हैं लैगून कहते हैं तो ये लैगून के एंट्रेंस पे क्या है स्थित है जो आपकी कौन सी पोर्ट है कोची पोर्ट है या आपका कौन सा कोस्ट हो गया वेस्टर्न कोस्ट हो गया और इसके ऊपर हमने जो छह मेजर पोर्ट हैं फर्स्ट आपका कांडला हो गया सेकेंड मुंबई थर्ड आपका जवाहरलाल नेहरू फोर्थ आपका मारमागाओ, फिफ्थ आपका न्यू मंगलोर और सिक्स्थ आपका क्या हो गया कोची ये छह पोर्ट आपकी कौन सी हो गई ये हो गई आपकी वेस्ट कोस्ट की अब आते हैं ईस्ट कोस्ट के ऊपर और सबसे नीचे साउथ साइड के अंदर जो आपकी पोर्ट लोकेटेड है वो आपकी है तूती कोरिन जो आपकी कहां पर है तमिलनाडु के अंदर है ये जो पोर्ट है आपकी ये आपकी क्या है तूती कोरिन काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है क्योंकि नीचे आपको पता है यहां पर श्रीलंका है और यहां पर आपका क्या आ जाएगा मालदीव इनसे कनेक्ट करने वाली जो पोर्ट है वो आपकी कौन सी है तूती कोरिन पोर्ट है तो नेक्स्ट पोर्ट आपकी है तूती कोरिन अब तूती कोरिन पोर्ट कहां पर स्थित है ये आपके स्टेट ऑफ तमिलनाडु के अंदर है स्टेट ऑफ तमिलनाडु तूती पोर्ट का भी नाम बदल दिया गया है जिसका नाम है वी ओ वी ओ चिदंबर नार ठीक है ये नाम रख दिया गया है तूती कोरिन पोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है वी ओ चिदंबर नार तूती कोरिन पोर्ट कहां पर स्थित है यह आपकी गल्फ ऑफ मन्नार में स्थित है गल्फ ऑफ मन्नार ये आपको क्या रखना है ध्यान रखना है अगर तूती कोरिन पोर्ट की अगर हम बात करते हैं तुती इज द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट साउथ ईस्टर्न पोर्ट एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट भारत की कौन सी है तूती कोरिन है कौन सी है तूती कोरिन है दिस पोर्ट एज ए नेचुरल हार्बर अलोंग विद रिच इंटरलैंड सो इट एज ए फ्लोराइजिंग ट्रेड हैंडलिंग अब इसके पानी की जो गहराई होती है बारह से 18 मीटर तक गहरी होती है जो आसानी से जो आपके जहाज़ हैं वो आसानी से यहाँ पर क्या कर सकते हैं ठहर सकते हैं ये भी आपको क्या रखना है ध्यान रखना है तो नेचुरल हार्बर पाया जाता है आपके तूती कोरिन पोर्ट पे और यहाँ से जो कार्गोज हैं वो हैंडल किए जाते हैं ठीक है कार्गोज कार्गोज क्या होते हैं द गुड्स कैरिड इन ए शिप और इन एयरक्राफ्ट उनको हम क्या कहते हैं कार्गो कहते हैं क्या कहते हैं कार्गो तो सबसे एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट हमारी कौन सी हो गई तुति हो गई इन द स्टेट ऑफ कौन से में हो गए तमिलनाडु तुति पोर्ट का नाम अब क्या है वी ओ चिदम नार जो पोर्ट है इसका नाम है यहाँ पानी की गहराई 12 से 18 मीटर गहरी है नेचुरल हार्बर होता है इसलिए आसानी से यहाँ पर जहाज क्या हो जाते हैं ठहर जाते हैं इट इज़ अबाउट तूथी कोरियन पोर्ट नेक्स्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट यस चेन्नई जो पहले मद्रास पोर्ट हुआ करती थी ये जो आपकी पोर्ट है वो कौन सी पोर्ट है चेन्नई पोर्ट नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे चेन्नई पोर्ट जो आपकी कौन से स्टेट के अंदर है इन द स्टेट ऑफ तमिल ट पहले इसको किस नाम से बोला जाता था पहले इसको मद्रास पोर्ट कहा जाता था इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ़ द कंट्री हमारे देश की आर्टिफिशियल जो पोर्ट है जो सबसे पुरानी पोर्ट है वो आपकी कौन सी है प्यारे बच्चों चेन्नई है कौन सी है चेन्नई ठीक है इट इज रेंट ओनली नेक्स्ट टू मुंबई इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो ट्रेड और कार्गो सबसे ज्यादा तो होता है मुंबई में भारत के अंदर ये ध्यान रखना है भारत के टोटल ट्रेड वॉल्यूम का सबसे ज्यादा पार्ट कहां से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है ये आपका मुंबई से होता है लेकिन चेन्नई पोर्ट का जो रैंक आता है वो किसके बाद सेकंड पे आता है वो मुंबई के बाद क्या आता है सेकंड नंबर पे आता है तो ये आपको ध्यान रखना है कि चेन्नई जो पोर्ट है इसका सेकेंड रैंक है आफ्टर मुंबई ये आपको क्या रखना है ध्यान रखना है इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ठीक है नेक्स्ट आपकी आती है विशाखापट्टनम कौन सी पोर्ट है आपकी विशाखापट्टनम ये आपका कौन सा स्टेट हो जाएगा आंध्र प्रदेश ठीक है तो नेक्स्ट आपकी पोर्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट ठीक है विशाखापट्टनम पोर्ट कहां पर स्थित है कौन से स्टेट के अंदर है तो वह है आपके आंध्र प्रदेश के अंदर कौन से स्टेट में आंध्र प्रदेश नेक्स्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इट इज द डीपेस्ट लॉक्ड पोर्ट लॉक्ड पोर्ट भारत की सबसे गहरी जो लैंडलॉक पोर्ट है चारों तरफ से स्थल से गिरी हुई जो पोर्ट है वो आपकी कौन सी है वो आपकी विशाखापट्टनम है कौन सी है विशाखापट्टनम दिस पोर्ट वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट फॉर आयरन और एक्सपोर्ट अब इस पोर्ट से भी आपका क्या भेजा जाता है आयरन और क्या किया जाता है एक्सपोर्ट किया जाता है ये किस पोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं विशाखापट्टनम तूतिकोरिन ईस्ट कोस्ट पे पहला हमने पढ़ा सेकेंड हमने पढ़ा चेन्नई थर्ड हमने पढ़ा है विशाखापट्टनम नेक्स्ट हमारी जो पोर्ट आती है वो है ओडिशा इन द स्टेट ऑफ ओडिशा जिसका नाम है पारादीप नेक्स्ट पोर्ट हमारी कौन सी है बच्चों पारादीप ठीक है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे पारादीप पोर्ट ये पोर्ट आपके कौन से स्टेट के अंदर है यह आपको ध्यान रखना है इन द स्टेट ऑफ ओडिशा ठीक है ये भी आपकी एक मेजर आयरन और एक्सपोर्ट पोर्ट है इंडिया की यह स्पेशलाइज्ड है कि यहां से क्या निकाला जाता है यहाँ से आपका दुनिया के दूसरे देशों के अंदर जो आयात और निर्यात होता है वो किसका होता है आयरन और का होता है कौन से का जो लोह एस्क है वो यहाँ से क्या किए जाते भेजे जाते हैं नेक्स्ट आपकी जो पोर्ट है अब ये आपके देखिए कोलकाता पोर्ट है कौन सी पोर्ट है कोलकाता कोलकाता आपकी वेस्ट बंगाल में है कहां पर है वेस्ट बंगाल कोलकाता इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट विच सर्व एज ए वेरी लार्ज एंड रिच इंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन तो नेक्स्ट आपकी जो पोर्ट है कोलकाता जो आपके गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है उनके आंतरिक भागों से क्या करती है कनेक्ट करती है यह भी आपकी क्या है रिवराइन पोर्ट है ये कैसी पोर्ट है आपकी रिवराइन पोर्ट है ये आपकी कैसी पोर्ट है एक टाइडल पोर्ट है कैसी पोर्ट है टाइडल पोर्ट ये ध्यान रखना है कोलकाता पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये रिवराइन पोर्ट है भारत देश की क्या है इट सर्व्स लार्ज एंड रिच इंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के आंतरिक इलाकों से आपकी कौन सी पोर्ट जुड़ी हुई कोलकाता पोर्ट जुड़ी हुई है जब हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर सिक्स के अंदर तो मैंने बताया था कि हुगली बेसिन जो आपका जूट प्रोडक्शन होता है उसके लिए भी जो पोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है वह आपकी कौन सी पोर्ट करती है कोलकाता पोर्ट करती है आपको क्या रखना है ध्यान रखना है बींग ए टाइडल पोर्ट इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट डिग्रेडिंग ऑफ द हुगली रिवर लगातार हुगली रिवर के अंदर जो आपका पानी है वो होना चाहिए ठीक है तो हुगली जो रिवर है या आपका हुगली रिवर बेसिन आपको पता है जूट प्रोड्यूस एरिया के लिए सबसे ज्यादा क्या है फेमस है क्योंकि उसी एरियाज में भारत का सबसे ज्यादा क्या होता है जूट प्रोड्यूस होता है अब ये जो आपकी पोर्ट है ये है हल्दिया पोर्ट कौन सी पोर्ट है हल्दिया जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को डेवलप किया गया था टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मुंबई पोर्ट ऐसे ही कोलकाता पोर्ट के ऊपर से ट्रेड बर्डन को कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट को क्या किया है डेवलप किया है तो हल्दिया पोर्ट जो वेस्ट बंगाल के अंदर है ये एक सब्सिडेरी पोर्ट है टू रिड्यूस द बर्डन ओवर विच पोर्ट ओवर द कोलकाता पोर्ट सो डियर स्टूडेंट्स टूडे वी डिस्कस द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया दैट सिक्स ऑन द West Coast and 6 on the East Coast. You have to watch this video and learn about these ports by reading your NCRT textbook. Like this video and subscribe Bharat Humanities classes. Jai Hind, Jai Bharat.